मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 55 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में निर्मित होने वाले एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का तालकंदला में शिलान्यास किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यह अनुशासन आत्मानुशासन से पैदा होता है और यह जीवन भर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, मंजिल तक पहुंचने का मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से युवाओं को अनुशासन का व्यावहारिक ज्ञान देने में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 1948 में संसद के एक अधिनियम से गठित एनसीसी युवाओं को एकता और अनुशासन के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। एनसीसी को आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाना पीएम मोदी का विजन है। पीएम के इस विजन को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना की जा रही है। यह एकेडमी एकता और अनुशासन की वह पाठशाला बनेगी जहाँ से सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मकता को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था की तरफ से प्रयास किया जाता है तो सरकार दो कदम आगे बढ़कर सहयोग करती है। एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी के लिए गोरखपुर मुख्यालय ने ऐसा ही प्रयास किया। देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते यूपी के लिए यह एकेडमी का अपना महत्व होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर में आने वाले 11 जिलों में से 4 जिले सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आकांक्षी जनपद हैं। एनसीसी एकेडमी में प्रशिक्षित युवा इन जिलों को विकसित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी की 56% आबादी कामकाजी है। एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी यहां की युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता है, खुद के लिए जीना कोई जीना नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए देश सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। देश के लिए समर्पण की भावना से ही एकता और अनुशासन का भाव आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। रक्षा आवश्यकताओं के मामले में रक्षा उपकरणों के उत्पादन तथा डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर भारत के हार्ड और सॉफ्ट पावर को दुनिया महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए यहां के परिसर को भरपूर पौधारोपण से हरा भरा बनाने का आह्वान किया। साथ ही इसे प्लास्टिक मुक्त, प्रदूषण मुक्त बनाने की अपील। उन्होंने कहा कि रेगुलर ट्रेनिंग ड्रिल के साथ कैडेटों को सप्ताह में एक दिन स्वच्छता अभियान से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इससे बीमारियों से बचाव होगा और माटी से आत्मीयता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से बीमारियों से बचाव का सबसे बड़ा उदाहरण इंसेफेलाइटिस पर विजय है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक श्री राम चौहान, फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नगर निगम और इन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ और उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि इतनी जल्दी और इतने समन्वय के साथ इस जिले में काम होता है, ये मेरे सोच से बाहर था। यहाँ पे सभी महानुभावों का स्वागत कर रहा हूँ। और उत्साह की बात है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल क्रेडिट कोर विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की युवा पीढ़ी का चरित्र निर्माण और सशक्तिकरण करना है, जिससे कि कार्यक्रम पर देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। कि प्रभु राम का मंदिर 500 साल बाद बना, स्वर्गों का जाल भी बना, परिवर्तन भी है। और जैसे कि आपने बताया 300 करोड़ का वेटनरी यहीं पर हॉस्पिटल 3 दिन पहले दिए, कल उन्होंने वहां पर 500 में दिया जो हम लोग पराली जला के जलाते हैं और जिससे पोल्यूशन होता है और गंदगी होती है और वृद्धि होती है, अंगिनत बीमारियां होती है, उसके लिए बायोगैस स्टेशन एक बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया महाराज। क्यों बाहर में आप जगह हो जोरदार
की पराली अब नहीं जलाना, उसको अभी कैसे रिसाइकल होगा। अब की एडमिनिस्ट्रेशन में अटल लाल आवास विद्यालय बच्चों में क्या क्या बीमार, क्या क्या बीमार इस उत्तर प्रदेश में, इस गोरखपुर में क्या नहीं हुआ। 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा, 42 एकड़ में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फर्टिलाइजर है, एम्स है, चीनी कारखाने हर जगह, जिससे रामराज में हर जगह बम बम बच्चों ने फैलाया करना छोड़ दिया उत्तर प्रदेश से। और अभी आज सुबह में हमको एक फोन आया बम्बई से, महाराज जी कांग्रेस टीवी वाले 1 साल के लिए अपना नया सीरियल लेके यही शूटिंग करेंगे, 1 साल रहेंगे, सभी कलाकारों को काम मिलेगा गोरखपुर के। आपके आशीर्वाद से महाराज जी पिछले 5 साल में 150 फिल्मों की शूटिंग हुई, कलाकारों को इतना रोजगार मिला है, गोरखपुर के कलाकार जी गए। कला एक बहुत बड़ा कमाने का भी जरिया है, कलाकार वर्ग बहुत बड़ा है इस भारत में, उसके लिए छोटी सोच के कल सिर्फ कभी वो सोचते रहे कि गोरखपुर में शूटिंग होली फिल्म का, जहां गोलियां चलती थी, जहां अपराध होते थे, जहां मां बहन की बेटी की इज्जत खतरे में रहती थी, माफिया दिया जाते 2017 के पहले, इसी नौकायन पे जहां अपराध लाखों लोग आते हैं वहां पर अपराध होते थे। मंत्री महोदय को इस अवसर पर समस्त एनसीसी के कैडेट्स की ओर से, जनमानस की ओर से सादर धन्यवाद। एनसीसी अकेडमी के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, श्री भले बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विजय विक्रम कुमार जी, ग्रुप कमांडर गोरखपुर ग्रुप ब्रिगेडियर देवेंद्र रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष विलेश्वर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस समारोह में एनसीसी से जुड़े हुए हमारे पूर्व और वर्तमान सभी अधिकारीगण, एनसीसी गोरखपुर ग्रुप के हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स, और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर का या एनसीसी प्रशिक्षण अकेडमी के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर इस गोरखपुर ग्रुप में जो 11 जनपद आते हैं वहां के सभी युवा साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। वहीं एकता के बारे में, सामाजिक एकता का क्या महत्व हो सकता है, इस सामाजिक एकता के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती बना करके राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने, सीखने और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने यहां पर देखा होगा लगभग 10 एकड़ लैंड देने के साथ ही 55 करोड़ रुपए यहां पर इस अकेडमी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्ले ग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा
और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ जा चुकी है। और यहां पर इस फोर लेन हाईवे से सटे हुए इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहां पे प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पे अपर महानिदेशक और ग्रुप इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं यहां पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए तो प्रयास प्रारंभ किए। ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको दो कदम आगे और बढ़ करके सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता और आपने पहल की उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें कि जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण देकर के एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के अनेक क्षेत्र में क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस अकेडमी का अपना महत्व है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। और मुझे जानकारियों ने बताते प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए अगर 56% से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए समाज की क्या स्थिति होगी। इस युवा आबादी के लिए इस युवा कार्यशाल कार्यशील मुझी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, अगर वो स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं रख होता। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए, अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिए, हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए। और यही से ही हमारे अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, आज आप देख रहे होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, निकायों की क्षमता को बढ़ा करके नई यूनिट बना करके डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वो प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट
स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद है, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है, यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना इसका एक उदाहरण है। और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित बिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित इस एनसीसी अकेडमी के लिए बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। मंच पर आसीन इस समय